वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोवर्स विद। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी है वीवो V11 प्रो स्मार्टफोन तो आ गया उसमें आज ही बहुत ही बड़ा अपडेट। तो इस वीडियो में हम लोग उसी अपडेट के बारे में बात करने जा रहे हैं और साथ ही साथ देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस आपको इस अपडेट में आपके स्मार्टफोन मिल जाता है और कितना बड़ा ये अपडेट। तो वीडियो में इन तक बने रही है, साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है रोज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आपको Vivo V11 Pro के न्यू अपडेट में मिल जाता है और कितना बड़ा है ये अपडेट। तो वीडियो में इन तक बने रहिए, साथ साथ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा Vivo V11 Pro का न्यू अपडेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो करंट वर्जन है वह है 6.13.1। इस वर्जन पे आपका स्मार्टफोन अभी वर्क कर रहा है आपका स्मार्टफोन। तो चलिए देखते हैं अपडेटेड वर्जन क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6.13.4 अपडेटेड वर्जन है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इस अपडेट का जो साइज़ है वह है 158.61 MB, यानी कि लगभग 150 MB का ये अपडेट है। तो बहुत ही अच्छा अपडेट है, यहाँ पर आपको बहुत सारे चेंजेस भी मिलते हैं इस अपडेट में। तो जल्दी जाके अपने स्मार्टफोन में इसको इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर ये अपडेट अभी तक आपके स्मार्टफोन में नहीं मिला है तो दोस्तों घबराइए मत, ये अपडेट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। लगभग 1-2 दिनों में ये अपडेट मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वीवो पहले जो अपडेट रहता है वो सिर्फ रैंडम लोगों को देता है, उसके बाद सभी लोगों को दे देता है। तो ये अपडेट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे चेंजेस आपको इस अपडेट में मिलता है, जो कि हम लोग वीडियो के बाद में बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रहा चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस आपको मिलता है। तो सबसे पहले जो चेंजेस मिलता है वे मिलता है वाईफाई में, यानी कि आपका जो वाईफाई के जितने भी इश्यूज रहेंगे वो सबको फिक्स कर दिया जाएगा। जब वाईफाई कभी कभी होता है कि कनेक्ट नहीं कर पाता तो उसको भी फिक्स कर दिया जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि वॉइस रिकॉर्डर में भी इशू आता है कभी कभी, कोई भी फाइल को आप रिकॉर्ड करते हैं वे बाद में नहीं चलता है, उसको भी इशू को फिक्स कर दिया जाएगा। तो ये कभी कभी आप फाइल रिकॉर्ड किए उसके बाद नहीं चलता है तो बहुत दिक्कत आती है दोस्तों, तो ये इशू को भी फिक्स कर दिया जाएगा वीवो की तरफ से। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कॉल में भी आपको कोई कोई प्रॉब्लम आता है, कॉल लगाते हैं तो उसमें भी कभी कभी प्रॉब्लम आता है सिग्नल को, उसको भी कर दिया जाएगा, नेटवर्क में इशू को फिक्स कर दिया जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कॉल में फिक्स द इशू वेयर द डायल पैड ओकेजनली फ्रीज आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ यूज़। कभी कभी होता है कि कॉल को आप बहुत देरी तक यूज़ करते हो तो कभी कभी डायल पैड जो होता है 1, 2, 3 वाला वे कभी कभी फ्रीज हो जाता है, जिसके कारण बहुत दिक्कत आता है स्मार्टफोन में, आप कोई भी कॉल नहीं लगा पाते हैं, जो कि बहुत दिक्कत होता है। तो उसको भी फिक्स कर दिया जाएगा। ये प्रॉब्लम मैंने खुद फेस किया था वीवो V11 Pro में, मेरे दोस्त का भी मोबाइल है वीवो V11 Pro स्मार्टफोन, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आती है। तो अब जो दूसरा चेंजेस है वे आपको मिल जाता है सिस्टम में। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपडेट एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच टू इंप्रूव सिक्योरिटी, यानी कि आपके मोबाइल का जो एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच होगा उसको अपडेट कर दिया जाएगा ताकि आपका मोबाइल ज़्यादा सिक्योर रहे, ज़्यादा कोई भी बग्स नहीं आए, कोई भी इशू नहीं आए। उसके बाद आप देख सकते हैं आपके मोबाइल में आ जाएगा मई 2020 का सिक्योरिटी पैच। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो ऐप क्रैश का जो प्रॉब्लम आता है सभी स्मार्टफोन में, जैसे कि आप बहुत देर तक कोई भी पबजी खेल रहे हो या फिर मैसेंजर यूज़ कर रहे हो तो कभी कभी होता है कि ऐप क्रैश हो जाता है, तो इस अपडेट के बाद वे इशू भी फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यही था वीवो V11 Pro का न्यू अपडेट। कैसा लगा अपडेट कमेंट में जरूर बताएगा दोस्तों। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको और चेंजेस मिलता है जो कि आपको यहाँ पर मेंशन नहीं मिलता है, तो क्या है वो चेंजेस हम लोग अभी देखेंगे। तो जो सबसे पहला चेंजेस आपको मिलता है वे ये है कि जब भी आप अपने स्मार्टफोन में कोई भी ईयरफोन या हेडफोन को प्लग इन करते हो तो आपको यहाँ पर स्टेटस बार में कोई भी सिंबल नहीं मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सिंबल नहीं मिलता है, पर अब जब इस अपडेट करने के बाद अगर आप अपने मोबाइल में ईयरफोन हेडफोन और मतलब कोई भी इंसर्ट करोगे तो यहाँ पर आपको एक सिग्नल मिलेगा जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपने हेडफोन और ईयरफोन को ज्वाइन किया, इंसर्ट किया अपने स्मार्टफोन में। तो ये था पहला चेंजेस। अब जो दूसरा चेंजेस है वो ये है कि जब भी आप अपने मोबाइल की जो सेटिंग है उसमें अगर आप जाओगे और डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस मोड में जाओगे और जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे तो आपको एक सेटिंग मिलेगा जो कि है डिस्प्ले एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन, यानी कि आप अपने स्मार्टफोन का जो नॉच रहता है अगर आपको इसको हाइड करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो कैमरे के लिए नॉच रहता है अगर आपको उसको हाइड करना है तो आपको कोई भी थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली सेटिंग में जाके वहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस ऑप्शन में जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो कि है डिस्प्ले एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन। वहाँ पर आप अपने स्मार्टफोन का जो यहाँ पर नॉच रहता है उसको हाइड कर सकते हो उस ऑप्शन से, तो वे भी आप एक बार देख लीजिएगा अपने स्मार्टफोन के सेटिंग में, वहाँ पर आपको एक सेटिंग मिल जाता है। अब जो तीसरा आपको चेंजेस मिलता है वे मिलता है वाईफाई हॉटस्पॉट में, यानी कि आपके स्मार्टफोन का जो वाईफाई हॉटस्पॉट है यहाँ पर आप देख सकते हैं उसमें अगर आपको एक ऑप्शन मिलता है जो कि है हाइड वाईफाई हॉटस्पॉट, यानी कि आप अपने स्मार्टफोन का जो वाईफाई हॉटस्पॉट है उसको हाइड कर सकते हो, कोई भी आपका वाईफाई हॉटस्पॉट नहीं लेगा, यहाँ तक कि अगर उसको पासवर्ड भी पता रहेगा तब भी वे इनेबल नहीं कर पाएगा वाईफाई हॉटस्पॉट को। तो बहुत ही अच्छा अपडेट है, जल्दी जाके इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों को देख लिया कि सभी चेंजेस और सभी अपडेट के बारे में हम लोगों ने बता दिया इस अपडेट में। तो कैसा लगा अपडेट कमेंट में जरूर बताएगा। तो आज के वीडियो के लिए बस दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।
हैं।